अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी स्नैन बट लो। आज ही सुजुकी होगी पंचर, ये देख इसका पंचर लगवा के। गाइस आ चुके हैं इस टाइम हम पंचरों वाली दुकान पे। तो स्लो मैं इसलिए बोल रहा था, मोहल्ले में सारे सो रहे थे। ये बच्चा जी पंचर लगाएगा गाड़ी को, मैं दिखाता हूँ कैसे लगाता है। तो यार आजकल रंग मेरा बड़ा ख़राब हो चुका है, गर्मी बड़ी है यहाँ पे, तो काम हमारा चूल्हे का है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे काम करता है। गाड़ी खड़ी है सामने, बच्चे की चेकिंग कीजिए। बच्चा कहता है वीडियो बनाओ मेरी है। और भाई वीडियो बनाते हैं, पंचर भी सही लगाना है। ये ना मतलब तू वीडियो की लालच में पंचर ही ना सही लगाए। चलो जी अल्लाह खैर करे, बच्चा तो माशाल्लाह कारीगर लगता है। तो इस दुकान के ओनर किधर है, उस्ताद तेरे किधर है, दरबार पे कौन से हक बहू आ रहे हैं। तुझे कितने दिन हो गए इस दुकान पे अकेले को? 7 दिन हो गए हैं अकेले को, अकेला ही हैंडल कर रहा है दुकान को। बड़ी गाड़ी का पंचर भी लगा लेता है। लो जी माशाल्लाह कह रहा है जी सारी गाड़ियों का इनके पास प्रॉपर सामान है। देखिए मशीनें वगैरह पड़ी हैं, प्रॉपर टायर वगैरह, टायर ट्यूब पे अल्लाह मकाम क्या बात है। बच्चे को बड़ा शौक है, मुझे बार बार कहता है मेरी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। हाँ पंचर लीक है। लो जी पंचर लीक हो गया जी, ये देखिए। हाँ जी साज लीक हो गया, कह रहा जी जोड़ के ऊपर पंचर लगाया किसी ने तो वो लीक हो गया। और नहीं पुत्र ट्यूब नहीं है अभी। लो जी मैंने बच्चे से पूछा है कि स्कूल क्यों नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या काम, ये काम बच्चों का, तो ना ये बड़ों का काम है। कह रहा है ये दुकान के जो ओनर है ना वो मेरे वालिद साहब हैं, तो वो ना दरबार पे गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो आजकल में आएंगे, तो फिर मैं स्कूल को अप्लाई करूँगा। वो देखे वो सामान पंचर का सामान लेने गया हुआ। पूछा कि बेटा रात को दुकान कौन आके बंद करवाता है, कहता है भाई मैं अकेला, सॉरी दुकान ओपन ही रहती है। तो दुकान इनकी 2400 घंटे सर्विस है, ठीक है, ये इनका बोर्ड लगा हुआ है। इनकी दुकान की 24 घंटे सर्विस है, सुबह भी मॉर्निंग में भी यही काम कर रहा है, ठीक है, और नाइट में भी इसी ने शॉप को ओपन रखना है। तो सुविधा कैसे सी के ना ट्यूब को जोड़ रहा है, जोड़ के इसके ऊपर पंचर लगा जाएगा, टांका जोड़ जाएगा। तो बच्चे को तो यार फिर तो शाबाश देनी चाहिए, माशाल्लाह मेहनत कर रहा है, तो अल्लाह पाक इसकी मेहनत को बरकरार रखे। बहुत खुशी हुई है जी ये बात सुन के। मैंने पहले कैमरा बंद कर दिया था, दोबारा इस बच्चे की बात सुनी तो खुशी हुई, मैंने कैमरा ओपन किया कि बच्चा 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। वाली साहब को कितने दिन हो गए गए हुए? 7 दिन हो गए, 7 दिन से बच्चा यहाँ पर होता है, ठीक है, 2400 घंटे ड्यूटी दे रहा है सर अंजाम, कि अपने वाली साहब के कारोबार को सर अंजाम कर रहा है, ठीक है, कि नाम रोशन कर रहा है, वाली साहब का नाम नीचे नहीं गिरा रहा। वेल डन है भाई। लग गया हमारा पंचर, देखते हैं क्या करती है। चेक करने लगे हैं, देखने लगे हैं कि कहीं लीक तो नहीं है, बाद में इशू ना बन जाए, फिर चेक करना लग जाए दोबारा। ठीक हो जी? हाँ जी ठीक हो गया। लो जी ये देखिए टल रहा है टायर, हमारी गाड़ी हो रही है बंद, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक हम जाएंगे घर। लो जी टाइम तो काफ़ी हो चुका है, पंचर लगवाने हैं, तो थक गया हूँ मैं तो बैठ कर। गाड़ी हो गई है रेडी, अब आगे बात पेमेंट की, पेमेंट दे के हम जाते हैं घर, तो फारिग हो जाएगी गाड़ी। गाड़ी तैयार हो रही है, थोड़ी देर तक थोड़ी सी हवा भर रहा है, हवा भर के फिर रखते हैं। आज मैं पैसे लाया हूँ कम, तो देखते हैं कितने पैसे मांगते हैं आगे पीछे। तो माशाल्लाह मेरी जेब में पैसे होते हैं, आज सिर्फ ये 100 रुपये ही है, बाहर ही नहीं सुबह की निकली, इसलिए पैसे नहीं घर से लेके आया, तो इसलिए पैसे कम है, देखते हैं जी कितने पैसे मांगते हैं। हाँ जी उस्ताद जी कितने पैसे?
200। ओए ओए मैं तो पैसे कम लेके आया, ओए इतना फड़ फड़ गया है। लाने शानी से 100 रुपए लेके आया, तो 100 ही लेके 200 रुपए। अरे साजी मेहरबानी शुक्रिया सर। होगी गाड़ी तैयार जी, हम जाने लगे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और ये बच्चे को देखे क्या कर रहा है, फिर पैंचर लगा रहा है। अल्लाह।